हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, तो ब्लॉग को पूरा देख के जाना। और दोस्तों अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे आया था अपने लोहराई, जो कि जहाँ पे हमारी ससुराल है, वहाँ पे आया था। और वहाँ पे आज क्या क्या होता क्या नहीं होता वो सारा कुछ दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट देखना। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि बहुत ही अच्छा लगे। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना मेरी वीडियो को देख के, ताकि मेरे को हौसला मेरा अच्छा बढ़ता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो लेके आता रहूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंजॉय करिए और आपको आज का सारा कुछ दिखाता हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी है और इसको पीते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो पीते हैं अभी चाय। तो अभी चाय पीना हो गया है और आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ, बकरी का दूध कैसे निकालते। तो वहाँ पे निकाल रहे हैं दूध और आप लोग को दिखाता हूँ कैसे निकालते दूध। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बकरी का दूध निकाला जा रहा है। अभी देखिए हैं कितना निकला, अभी थोड़े निकला ना। दोस्तों ऐसे निकाला जाता है बकरी का दूध, देख सकते हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं बकरी का दूध। दोस्तों अभी बज रहे हैं 11 और अभी हम जा रहे हैं बाग में, वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा मौसम है वहाँ पे बाग में, और वहाँ चलते हैं, वहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ दिखाएंगे। तो अभी घर से जा रहे हैं बाग में, तो चलते हैं वहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा सा हरियाली आप लोगों को। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक अगर देखते हो तो लाइक करके कमेंट करके सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये गली है, और तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये चार भाई लेके जा रहे हैं, तो इसी पे बैठूंगा वहाँ पे और बाग में पहुँच के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सारे तार चारों तरफ यहाँ पे खेत और पेड़ यही है। तो दोस्तों ये हमारी चार पाई है और यहीं पे हम अभी लेटेंगे दोपहर में, और चलते हैं मूंगफली दिखाने के लिए। दोस्तों अभी देखिए ये हमारी चाची जी हैं और ये यहाँ पे मूंगफली है, जिसे आप लोग शायद नहीं देखे होंगे कभी। ये ऐसे पौधे होते हैं मूंगफली के, और वो हमारे चाचा जी वहाँ पे जिसकी सफाई करें मूंगफलियों की, क्योंकि इसमें और बहुत सारे जो घास होती वो निकल आती, तो उसको सफाई करने से तो मूंगफली का पेड़ अच्छे से चलता है और मूंगफली अच्छी खासी आती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ ऐसा है। तो ये देखिए हमारा छोटा लड़का आ गया है, और अभी ये लेके क्या आया हो, लेके क्या आया हो, क्या बात है। समोसा खाना है, सेमी है खाना है, अभी भूखे हो गया। अच्छा ठीक है, खाओ। दोस्तों ये हमारी साली जी आ रही हैं, अभी चार पाई मतलब कि एक थी तो एक और चाहिए थी, तो अभी मुंह नहीं दिख रहा है, मुंह पे हाथ रखे हुए हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पे डालेंगे और यहीं पे लेटेंगे। यहाँ पे चल रही है सेमी पार्टी, ये देखिए सारे लोग खा रहे हैं यहाँ पे, और वो सामने चार पाई एक और पड़ी है उस पर लेटेंगे सब लोग। तो अभी तो यहीं पे रहेंगे, उसके बाद में जाएंगे घर शाम को थोड़ा सा, उसके बाद सारा। अभी मैं बाग में आया हूँ, इधर खूब आम है, इधर अनिया है। तो लाइक करो सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 2:30 और मैं जा रहा हूँ अपने ससुर जी को वहाँ पे लेके, क्योंकि वो कद्दू का काम करते हैं, वो कद्दू जिसको हम पंजाबी में पिठा बोलते हैं, वो वहाँ पे जाने बेच रहे हैं बाजार में। तो उनको वहाँ पे छोड़ के वापस आऊँगा और उसके बाद में मैं जाऊँगा बाजार और सारा कुछ आपको दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बाइक पे बैठा हूँ, उसके बाद में लेके चलते हैं उनको, उसके बाद में दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये हमारी बाइक है और ये हमारे ससुर जी, ये यहाँ पे कद्दू की बोरी है, तो इसको हमें लेके जाना है बाजार, और बाजार में जाके बेचना है, तो इसको अभी उसे बांध के उसके बाद में लेके चलते हैं बाजार। दोस्तों अभी जा रहे हैं बाजार और वहाँ पे इनको उतार के फिर वहाँ से बताते हैं आपको वहाँ से क्या होगा। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देखिए यहाँ पे ये दुकान लगा रहे हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव में कुछ, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, तो उसके कुछ देर बाद कुछ ऐसी लगती है हमारे गाँव की बाजार, और यहाँ से सब लोग अपना सब्जी सारे कुछ यहाँ से लेके जाते हैं। दोस्तों जैसा कि देखा आपने, अभी मैं उनको दुकान बाजार में लगवा के, और मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरी जो भाभी हैं मतलब कि मेरी वाइफ की बहन, तो उनको भी साथ में इधर से लेके जाना है अपने ससुराल, तो अभी आते होंगे, उनको मैंने फ़ोन कर दिया, तो अभी वहाँ से आते होंगे, उनको लेके फिर मैं जाऊँगा वहाँ पर ससुराल में। और अभी वेट कर रहा हूँ उनको, कितनी देर में आते हैं देखता हूँ, फिर उनको यहाँ से ले जाके वहाँ ले जाना है, और इनको मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, यहाँ पर बाजार में बेचेंगे अपने
कद्दू और मैं इनको लेके जाऊंगा वहाँ पे लोहराई में। लोहराई नाम है गांव का जिसमें मैंने जाना है। तो अभी आ रहे हैं तो देखते हैं कितनी देर में आ जाते हैं, तो तब तक वेट करते हैं, तो आते हैं फिर मिलते हैं। तो देखिए वो सामने आ रहे हैं, उनके लड़के और वो हैं, तो अभी पूछता हूँ कितना देर टाइम लगा दिया। दोस्तों अभी उनको बिठा लिया है और अभी जा रहे हैं वहाँ, तो वहाँ पे देखते हैं बाजार वहाँ पे भी लगी है, तो चलते हैं वहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो चलिए अभी हम वहाँ से आ गए थे और घर पे पहुँचे थे, और मैं नहा के अभी जा रहा हूँ दवाई दिलाने इनको, और उसके बाद में जाएंगे बाजार और बाजार में देखते हैं क्या है क्या नहीं, और चलो चलते हैं अभी। दोस्तों यहाँ पे अभी हमने दवा ले ली है और अभी हम चलते हैं बाजार और देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से दवा ली है दोस्तों, और चलते हैं अभी बाजार, बाजार में देखते हैं सारे लोग मिलते हैं घर के। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे गांव की बाजार कुछ इस तरह लगती है, और ये मवाई के जस्ट यहाँ पे लगती है, और मैं लोहराई से आया हूँ क्योंकि मवाई का गांव कुछ यहाँ पे है, और इधर ये बाजार लगती चौराहे पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह व्यू आ रहा है, तो देख सकते हैं ऐसे लगती है बाजार यहाँ पे हमारे गाँव में दोस्तों, ऐसे ही लगती है। तो देख सकते हैं अगर आप यूपी से होंगे तो आप लोगों को शायद पता भी होगा ऐसे लगती है। दोस्तों अभी होगी सारी बाजार भी हो गया, सारा कुछ हो गया दोस्तों, आज का दिन ऐसे ही गया कुछ। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को कर दे लाइक, और चैनल को करिए मेरे सब्सक्राइब अगर आप नए हैं, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिए ताकि मुझे बहुत ही अच्छा लगे। दोस्तों एक आप लोगों को मैं बाजार नहीं दिखा पाया कैसे लगी कैसे नहीं, तो कोई बात नहीं, अगले मैं अपने गाँव जाऊँगा तो उसके बाद मैं गाँव में आप लोग को अपनी बाजार दिखाऊँगा कैसी लगती है, हर एक चीज़ घुमाऊँगा आप लोग को। तो इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म, और आगे के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। तो चलिए चलते हैं।